हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट कहाँ कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरा डिटेल रिसर्च आपके लिए लेके हैं। बस आपको एक ही काम करना, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सैनी, इंटरेस्ट बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल में सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यही बात कर लेते कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं उनको तो आइडिया है कि ये पूरा नॉर्थ में यहाँ पे पड़ता है। और आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए, जो एक्चुअल मैप है, मैंने जो ये सर्कल किया हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश से नहीं रहने वाले हैं उनको आइडिया रहेगा कि ये बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है, दिल्ली के ऊपर बिल्कुल, ये तो आपको आइडिया ही है। अगर मैं बात करूं कि इसके पास में, हिमाचल प्रदेश के पास में कोई GI भी है, एक अनोखा स्टेट जिसके पास में बहुत सारे GI है। GI मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन कुछ है क्या हिमाचल प्रदेश के पास में? तो हिमाचल प्रदेश के पास में बासमती राइस का भी हिमाचल प्रदेश के पास में GI है। तो देखिए GI और किस किस के पास में, बासमती राइस का देखिए, इंडिया में पंजाब के पास में है, आप ये देखिए पंजाब के पास में है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के पास में बासमती राइस का परमिशन है। परमिशन बोले तो GI है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, कि भाई उस एरिया में इसकी पैदावार होती है और उनका ही इस पे अधिकार है, वो ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे इसकी सप्लाई भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। ये डायरेक्ट वेबसाइट है अपेडा की, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, डायरेक्ट उसका फोटो है यहाँ पर PPT में। अगर मैं बात करूं बाकी और कौन कौन से GI है, एक अनूठे स्टेट हिमाचल प्रदेश के पास में जहां बड़ी ठंडी होती है, जहां पे लोग घर में पंखे भी नहीं लगाते, इस चीज़ का आपको आइडिया है। सो देखिए कुल्लू सॉल वहां पे अच्छा मिलता है, कुल्लू सॉल क्योंकि ठंडी अच्छी होती है, तो सॉल की बहुत ज़्यादा वहां पे GI है। देखिए अभी नंबर ऑफ GI आपको दिखाई देंगे, कुल्लू सॉल देखिए यहाँ पे कुल्लू सॉल, आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कुल्लू सॉल कैसा दिखता है, कहाँ जाता है, कितना जाता है। कंगना टी हो गया, चाय भी वहाँ पे मिलती है जो कि कंगना टी के नाम से फेमस है। हिमाचली चूली ऑयल होता है, हिमाचली चूली ऑयल भी बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और यहाँ पे इनका GI है। टोटल GI की बात कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ GI टैक्स इन 2022 में कितना था हिमाचल प्रदेश के पास में, उस लिस्ट की बात करूँ टोटल 8 है और इसके अलावा एक बासमती राइस भी ऐड हुआ है। सो हिमाचली काला जीरा है, जिसको क्यूमिन भी बोला जाता है, इंग्लिश में क्यूमिन बोला जाता है। सो हिमाचली काला जीरा हो गया, और चंबा रुमाल हो गया, एक तरीके का रुमाल है, वो भी हम आगे डिटेल में इसमें बात ही करने वाले हैं। किन्नूरी सॉल है, सॉल जिसमें बताया कि ठंडी होती है, तो सॉल का बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। कुल्लू सॉल लोगो है, और कंगना पेंटिंग है, जो कंगना पेंटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी वहाँ से फेमस है और एक्सपोर्ट भी होती है। सो अगर मैं बात करूँ बाकी आगे, अगर हम चलो उससे पहले बता दूँ, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, जो हमारा 17 ईयर का एक्सपीरियंस है वो पूरा आपके साथ में शेयर करते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, फैक्ट रिसर्च अबाउट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आप देख के आपकी आंखें चौंक जाएंगी। हिमाचल प्रदेश जो उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ लास्ट 10 ईयर का हमने देखा, 15-16 से लेके 2022-23 लेटेस्ट ईयर तक 7.7% का CAGR दिखाया है। जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो 7.7% का दिखाया है हिमाचल प्रदेश ने, जो कि अपने आप में एक अनूठा नंबर है, और आपको इसके लिए खुशी होनी चाहिए कि मोर देन 5% का आपका जो स्टेट है वो परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर दिखाई देता है। अगर सेकेंड फैक्ट की बात करें, टोटल हिमाचल प्रदेश से कितना एक्सपोर्ट हुआ लास्ट ईयर, टोटल एक्सपोर्ट हुआ 2,147.46 मिलियन US डॉलर, यानी अगर बिलियन में बात करें तो 2.14 बिलियन US डॉलर का टोटल हिमाचल प्रदेश से एक्सपोर्ट हुआ लास्ट ईयर। आप ही ने एक्सपोर्ट किया है, जो बाकी एक्सपोर्टर से उन्होंने एक्सपोर्ट किया है।
सो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फैक्ट की, तो हिमाचल प्रदेश में एप्पल बड़ी जबरदस्त क्वांटिटी में होते हैं और एप्पल यहां से सबसे ज्यादा बहरीन में या फिर गल्फ में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि गल्फ जो है, गल्फ में वहां पे ठंडी कम होती है, तो वो दूसरी कंट्री से यानी चाइना से मंगाता है या फिर वो अमेरिका से, यूएसए से मंगाता है या फिर वो इंडिया से मंगाता है। तो हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो ठंडे इलाके में होने वाली चीजें बहुत ज्यादा वहां पे क्रॉपिंग होती, पैदावार होती है, तो एप्पल भी एक उनमें से प्रोडक्ट है। तो एप्पल के टोटल 5 वैरायटीज है जो कि बहरीन में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लोग वहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एप्पल की जो रॉयल डिलीशियस कैटेगरी है, जो वैरायटीज है, उसको भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। डार्क बेरोन गाला है, इसको भी बहरीन में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और सीक्रेट स्पूर है, रेड वोलेक्स है, गोल्डन डिलीशियस है, जो कि एक्सपोर्ट होता है, ये सब बहरीन के अंदर एक्सपोर्ट होता है। टॉप 5 कैटेगरी है, वैरायटीज है। अगर आप एप्पल के किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या तो आप उसके किसी जूस या कोई भी उसका प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोडक्ट है, या फिर डायरेक्ट रॉ एप्पल है, आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, आप उसके डीलर है, या फिर आप लोकल में सेल करते हैं, तो आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में बहरीन या फिर कोई भी और गल्फ कंट्री जो है, वो आपके टारगेट मार्केट हो सकती है और वहां से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, क्या क्या प्रोडक्ट में आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो जो मैंने पहले बताया था कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी ठंडी होती है, तो जिस टाइप का वहां का एनवायरमेंट रहता है, उस टाइप के प्रोडक्ट वहां पर डेवलप होना चालू हो जाते हैं। तो कुल्लू सोल का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत जबरदस्त क्वांटिटी में वहां पर होता है और वहां से एक्सपोर्ट भी होता है, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो कुल्लू सोल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के कुल्लू सोल हैं। ये कुल्लू सोल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश से। ये देखिए अलग अलग तरीके के कुल्लू सोल है, डायरेक्ट मैंने वेबसाइट से ये लिया है। सो कुल्लू सोल यहां से एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं सेकंड प्रोडक्ट की बात करें, तो वहां पे कंगना टी और कुल्लू सोल का, देखिए कुल्लू सोल के बारे में बात करी थी, इसका GI भी है, हिमाचल प्रदेश के पास इसका GI भी है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। अगर मैं बात करूं टी का, चाय का, तो चाय भी वहां पे होती है हिमाचल प्रदेश में, जो कि कंगना टी, कंगना एक डिस्ट्रिक्ट है, कंगना डिस्ट्रिक्ट में चाय होती है। चाय वहां पे बड़ी जबरदस्त क्वांटिटी में होती है, लगभग 2400 एकड़ में चाय होती, चाय के बड़े बड़े बगीचे होते हैं, जो कि चाय यहाँ से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट भी होता है। चाय अगर आप चाय के प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो चाय भी लेके आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचली चोली ऑयल आता है, हिमाचली चोली ऑयल, जो कि एप्रिकोट फ्रूट से बनता है। ये एप्रिकोट फ्रूट है, एप्रिकोट फ्रूट का एक अलग से हमारा वीडियो भी है, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हैं। एप्रिकोट फ्रूट एक बड़ा जबरदस्त फ्रूट होता है, जो कि ठंडी में होता है और स्पेशली हिमाचल प्रदेश में होता है, और हिमाचल प्रदेश में उसका GI है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है एप्रिकोट फ्रूट का, और एप्रिकोट फ्रूट आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है, अलग अलग बोतल आती है उसकी, 200 ml की, 500 ml की, इस टाइप की बोतल आती है। ये देखिए ऑयल है, हिमाचली चुली ऑयल इसको बोला जाता है, जो कि एक्सपोर्ट होता है। काफ़ी अच्छे इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, अलग अलग तरीके का और यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है। अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें, तो हिमाचली काला जीरा आता है, जिसको क्यूमिन भी बोला जाता है, हिमाचली ब्लैक क्यूमिन, काला जीरा, जो कि वो भी बड़ी जबरदस्त क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है, और हिमाचल में उसका GI भी है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आप काले जीरे से कनेक्टेड है, काले जीरे का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो काले जीरे का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें, तो चंबा रुमाल आता है, जो कि बड़ी जबरदस्त क्वांटिटी में वहां पे होता है। चंबा रुमाल सदियों से होता आ रहा है, 17वीं शताब्दी से, यानी आज 2000 एरा में है, और वो 17वीं शताब्दी से हो रहा है। बहुत अच्छे हाथ से पहले बुने जाते थे, आजकल तो हाथ से भी बुने जाते हैं और उसको मशीन से भी बुना जाता है। सो जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, चंबे ने जो चंबा रुमाल है, उसमें ये डिस्कवरी हुई है कि वो चंबा रुमाल जैसे एक साइड से उसको स्टिचिंग करते जाते हैं, उसके पीछे भी वैसा डिज़ाइन प्रिपेयर होता जाता है। तो एक अनूठा एक प्रोडक्ट है, जो कि चंबा रुमाल एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश से। और एक किन्नूरी शॉल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश से, जो कि कितना एक्सपोर्ट होता है, लगभग 250 करोड़ का हर साल एक्सपोर्ट होता है, 250 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है किन्नूरी शॉल। देखिए अलग अलग तरीके की किन्नूरी शॉल है, ये देखिए
ये देखिए किस तरीके के अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग फैशन के डिज़ाइन है, जो कि बहुत गर्म होता है और ठंडे इलाके में जैसे यूरोपियन यूनियन या अमेरिका में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर मैं बात करूँ कंगना पेंटिंग, कंगना एक डिस्ट्रिक्ट है जो वहाँ पर पेंटिंग ज़बरदस्त क्वान्टिटी में होती है। वहाँ पर राजा महाराजा पहले पेंटिंग कराते थे, अपने शौक के लिए कराते थे, लोग अपने शौक के लिए करते थे और ये तब से बिजनेस बन गया और यहाँ से बहुत ज़्यादा कंगना पेंटिंग्स एक्सपोर्ट हो रही है। अगर मैं बात करूं टेक्निकल रिसर्च की, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश का टोटल इकोनॉमी अगर देखें तो वो 24 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करें तो 1.92 लाख करोड़ रुपीस का ही है, जो कि एक अच्छा माना जाता है। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 77.56 लाख का ही पॉपुलेशन है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। और पर कैपिटा इनकम भी देखें तो 2.12 लाख रुपीज़ का ही आता है, 2.12 लाख रुपीस का, जो कि इंडिया का एक एवरेज पर कैपिटा इनकम के लगभग थोड़ा सा ज्यादा है, हमारा 2 लाख के आसपास आता है एवरेज। टोटल एक्सपोर्ट 2.14 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर किसी उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि हिमाचल प्रदेश से रहने वाला, हर किसी उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट करना चाहता है हिमाचल प्रदेश से, और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and hit the bell icon for all notifications. Thank you.